हेलो फ्रेंड्स, शंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। और फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं घर पर, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, दिवाली या होली। चलिए देखते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। एक कप मैंने बेसन लिया है, एक कप मैंने बूरा लिया है और आधा कप मैंने देसी घी लिया है। सबसे पहले मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर आधा घी डाल देंगे, पहले पूरा घी नहीं डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया, अभी हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम बेसन को भून लेंगे। हम देसी घी को 3-4 स्टेप में डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा देसी घी और डाल देते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी हम एकदम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन भूनने के बाद घी छोड़ता है। यदि ज्यादा घी हो गया तो हमें ज्यादा बूरा डालना पड़ेगा इसमें। और हमें इसमें फ्रेंड्स देसी घी का यूज करना है। यदि हम रिफाइंड का यूज करेंगे, इसमें एक तो टेस्ट नहीं आता है और दूसरा उसमें बाइंडिंग भी नहीं आएगी अच्छे से। और इसको आपको लगातार चलाते रहना होगा और फ्लेम को लो रखना होगा, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो नीचे से लग जाएगा। अभी हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। अभी हम इसके अंदर और देसी घी नहीं डालेंगे, ये पहले ही पतला हो गया है और बेसन भूनने के बाद घी छोड़ेगा। आप देखिए बेसन ने थोड़ा सा घी छोड़ दिया है, हमें इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमें इसे तब तक भूनना है इसका जो कलर चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। देखिए आप, हमारा जो बेसन है वो भून चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा रेडिश कलर हो गया इसका। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, लेकिन अभी हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई है वो गर्म है, नीचे से हमारा जो बेसन है वो नीचे से जल जाएगा, इसलिए आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहिए। 1 से 2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अभी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और आपको इसको हल्के गर्म में भी चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि हम चीनी डालेंगे तो पिघल जाएगी। अभी आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीनी डालिए और उसको मिलाते रहिए। हमारा जो मीठा है अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, इस टाइम में आप चख के देख सकते हैं, यदि आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें और मीठा डाल सकते हैं। अभी मिक्स हो गया है तो हम इसे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अभी आप इसको हाथ से अच्छे से दबा दबा कर लड्डू बना लीजिए और साइज को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जैसे आपको लड्डू पसंद है। और अच्छे से दबा दबा कर बनाइएगा, नहीं तो हमारे जो लड्डू है वो खुल जाएंगे। और इसको ऐसे घुमा घुमा कर इसकी गोल शेप कर लीजिए। देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं, आप सारे लड्डू ऐसे ही तैयार कर लीजिए। देखिए हमारे बेसन के लड्डू सब तैयार हैं और मैंने इनको बादाम और पिस्ता के साथ गार्निश किया है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप मेरी इस बेसन के लड्डू की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।